हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लास्ट रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा आपको याद रहता है। तो 6 तारीख को, 7 का जिनका एग्ज़ाम है वो लोग 6 तारीख को क्या क्या रिवाइज़ करेंगे TGT होम साइंस एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। Unit 1 की पहले बात कर लेते हैं, जो है कि आहार और पौष्टिकता। उसमें से आपको वैक्सीनेशन याद करना है। देखिए, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। वैक्सीनेशन आपको याद करना है, किस एज में कौन सा BCG का टीका कब लगता है आपका, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, कैसे फैलते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कितने उद्भव काल होता है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। डेफिशिएंसी डिजीजेज याद करनी है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको। विटामिन के नाम याद करने हैं, रथ एक ट्रॉफी वाली जो ट्रिक है उसके थ्रू आपको याद हो जाएंगे। रोगाणुओं के नाम याद करने हैं आपको, WHO, FAO, UNICEF, ये सारी जो आपकी संस्थाएँ हैं वो याद करनी है। RDA आपको तैयार करना है, RDA की ट्रिक भी मैंने आपको दे रखी है और आपको उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, जो करंट में RDA से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसके संस्थापक कौन है या फिर इसके एट प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो वो भी मैंने आपको करवा रखे हैं। ब्लड पढ़ना मत भूलिएगा, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें, पूर्व बाल्य जो आपकी प्रीनेटल होती हैं और पोस्टनेटल दोनों ही के टेम्परेचर कितना होता है बच्चे का, या फिर आपका क्या क्या चीज़ें और इसमें इंक्लूड होती हैं, वो सारी मतलब जो आपकी भ्रूणावस्था, डिम्ब अवस्था, ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइजेशन, ये मत भूलिएगा। बोन्स कितनी होती हैं, किस हिस्से में कितनी बोन्स होती हैं वो पढ़ लीजिएगा। डाइजेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, pH वैल्यूज़ पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट में संसाधन पढ़ लीजिएगा, मानव और जो आपके अमानवीय होते हैं इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपका बजट तैयार कर लीजिएगा, एंजल्स लॉ से आता है बेसिकली वो क्वेश्चन, के आपका जब आय बढ़ती है तो भोजन पर आपका खर्चा कैसा रहता है तो वो कम हो जाता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट जो आपके चार्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये बेसिक है बिल्कुल याद करने के लिए। कलर चार्ट याद कर लीजिए, प्रियंका और मुंसेल का। वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं Unit 3 पर। 3 है आपकी स्वास्थ्य से संबंधित, तो इसमें आप जितने भी संगठन हैं वो FAO वगैरह जो मैंने अभी बताए थे वो कर लीजिएगा, पट्टियाँ कर लीजिएगा और रोक कर लीजिएगा। क्वेश्चन Unit 4 में आपका आता है टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में आपको क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर करना है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा फर्स्ट मैन मेड है, ये सारे कर लीजिएगा। अंतिम बार वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और ट्रेडिशनल जो है आपकी कौन सी कहाँ की है, किन खापता आपकी बालूचर बूटीदार, ये सब कर लीजिएगा। फिर Unit 5 आपकी आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें आपको हिस्ट्री करनी है होम साइंस की, आपको ऑडियो विजुअल एड्स करने हैं और अगेन प्रोग्राम्स करने हैं, तो प्रोग्राम्स कर लीजिएगा। इस तरह अगर आप रिविजन एट मोमेंट पर लास्ट पर कर लेंगे तो आपके अप्रॉक्स मैं समझती हूँ कि 30-40 क्वेश्चंस का आपका रिवीजन इंस्टेंटली हो जाएगा। तो इनको रिवाइज़ करना बिल्कुल नहीं भूलें, ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और ये लास्ट मोमेंट के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवाइज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू वन एंड ऑल। थैंक यू, बाय बाय।